हेलो दोस्तों, नमस्कार। मरुद्रा रेस एकेडमी क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज राजस्थान सेवा अधीनस्थ बोर्ड की बड़ी भर्ती, यहाँ पर जो कि पटवार भर्ती, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंटों का अभी तक भी दिमाग में ये है कि इसकी एग्ज़ाम डेट टेनेटिव दे रखी है, तो इसकी एग्ज़ाम डेट आगे भी खिसक सकती है या नहीं खिसक सकती है। क्योंकि पिछली बार भी 28 फरवरी इसकी टेनेटिव एग्ज़ाम डेट दी गई थी, लेकिन आपको पता है कि हमेशा आगे डेट बढ़ती है, लेकिन इस बार क्या हुआ, पहले एग्ज़ाम करवाने के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो कि कैलेंडर के माध्यम से राजस्थान सेवा अधीनस्थ बोर्ड ने लगभग यहाँ पर तीन दिन छः चरणों में आपके एग्ज़ाम करवाने की बात यहाँ पर रही है। तो इसको लेकर के BL जाटावत ने क्या कहा है कि एग्ज़ाम हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन क्या है, नुकसान। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सभी बात हम यहाँ पर करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी अपडेट हम आपको पहले यहाँ पर बता देते हैं, फिर इसके बारे में विस्तार से आपके लिए चर्चा करेंगे। यहाँ पर आ जाए कि 6 चरणों से होगा नुकसान, 6 चरणों से 100% यहाँ पर नुकसान होगा। छठे चरण में परीक्षा देने वालों को पेपर पैटर्न समझ में आने से एक्स्ट्रा एक एडवांटेज मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर हम यहाँ पर आपके बात कर रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 6 चरणों में होगा अगर एग्ज़ाम, तो यहाँ पर जिसका लास्ट में पेपर होगा या फिर जिसका पहले दिन एग्ज़ाम होता है उसको यहाँ पर नुकसान होता है 100%। और इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी बात करेंगे कि पेपर रेंडमली करवाया जाए या फिर अल्फाबेट के हिसाब से, सब कुछ इस वीडियो माध्यम से होगा। किस चीज़ का क्या है नुकसान, क्या है फ़ायदा, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, ताकि आपको पूरी चीज़ यहाँ पर पटवार भर्ती से जुड़ी आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। अब यहाँ पर आया छठे चरण में परीक्षा देने वालों को पेपर पैटर्न समझ में आने से एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो पिछली बार LDC भर्ती 2018 हुई थी वो भी यहाँ पर 3 चरणों में हुई थी, मतलब 3 दिन तक उसका एग्ज़ाम करवाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जिनका बाद में एग्ज़ाम था उनको पूरा पैटर्न यहाँ पर समझ में आ गया था। अब वहाँ पर होता क्या है, आपने जैसा देखा होगा अगर वन से, जी हाँ दोस्तों, अगर वन से रिलेटेड अगर वहाँ पर क्वेश्चन आ रहे तो तीनों पेपर में वन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, पनोरमा से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, लगभग 2 शिफ्टों में यहाँ पर पनोरमा से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। तो जिन स्टूडेंटों का यहाँ पर पहले दिन एग्जाम था उनको यहाँ पर नुकसान हुआ था, लेकिन जो बाद वाले पेपर हुए थे लगभग एक डेढ़ महीने का, यहाँ पर 1 महीने के लगभग यहाँ पर जो तीसरी शिफ्ट वाला था, एक तो उनके दोस्तों यहाँ पर लगभग 1 महीने का टाइम यहाँ पर पूरी तरह से उनको यहाँ पर मिल गया था, जबकि जो जिनका शुरू में एग्जाम था उनको नहीं मिल पाया था इतना टाइम। और उसके अलावा जिनका लास्ट में पेपर था उनको एक तो पेपर पैटर्न उनको समझ में आ गया था, उसके अलावा 1 से 1.5 माह उनको तैयारी करने का एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर मिला था। तो यहाँ पर ये नुकसान होता है पहले डेट वाली एग्ज़ाम करवाने को लेकर को लास्ट में जो एग्ज़ाम होता है, इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस होता है। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आया नॉर्मलाइजेशन होने से नुकसान, रेंडमली के बजाय अल्फाबेट के हिसाब से तय होगा परीक्षा का चरण। अब यहाँ पर रेंडमली के बजाय अल्फाबेट के हिसाब से तय होगा परीक्षा का चरण, क्योंकि यहाँ पर आया है अल्फाबेट के हिसाब से अगर तय होता है तो दोस्तों अगर आपका नाम आकाश है और किसी का युवराज है या फिर जिसका जेड से वही से इनसे पेपर आता है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका पेपर है, पहला जो पेपर है आपके लगभग जो पेपर है आपके 10 तारीख को होगा, पहला पेपर आपका होगा, जो लास्ट पेपर होगा यहाँ पर 24 का होगा। तो आप देख सकते हैं इस बीच में लगभग यहाँ पर 14 दिन का गैप मिलेगा, और जो 10 तारीख वाले रहेंगे इनको यही पता नहीं चलेगा कि पेपर में क्या पूछा जा रहा है, किससे पूछा जा रहा है। और जो 24 तारीख को एग्ज़ाम होगा उनको 24 और उसके बीच में एक और डेट है, यहाँ पर इन वालों को समझ में आ जाएगा क्या पेपर है, तो यहाँ पर ये तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि करंट में वही पूछा जाता है लगभग। यहाँ पर अगर पूछा गया कौन सा युद्ध अभ्यास है तो लगभग तीनों ही चरणों में ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये वाला सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। उसके अलावा जो लास्ट 10 से लेकर के लास्ट तक में जो एग्ज़ाम होता है, तो यहाँ पर लगभग 14 दिन में एक तो परीक्षा का पैटर्न समझ में आ जाता है, उसके अलावा 14 दिन काफ़ी मायने रखते हैं दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर आया। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 10 से लेकर के 24 जनवरी 2021 तक 6 चरणों में करवाई जाएगी परीक्षा, लगभग 3 दिन एग्ज़ाम करवाया जाएगा और हर दिन यहाँ पर 2 चरणों में एग्ज़ाम होगा, पहली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, उसके अलावा 3 डेट तक यहाँ पर एग्ज़ाम करवाएगा, तो लगभग यहाँ पर 6 चरणों में एग्ज़ाम करवाया जाएगा। अब यहाँ पर आया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से लगभग 4421 पदों के लिए पटवार सीधी परीक्षा COVID-19 के चलते विभिन्न चरणों में कराने के लिए संभावित तिथियाँ घोषित की है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टेनेटिव एग्जाम डेट है, ना कि एपिक से, यहाँ पर टेनेटिव एग्जाम डेट है। उसके अलावा दोस्तों हम इसके बारे में भी आपसे लास्ट में बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि 10 जनवरी को परीक्षा देने वाले की तुलना में 24 जनवरी को पेपर देने वाले पेपर पैटर्न पता चलने से अच्छे अंक आ जाते हैं। इसका जो सुधार नुकसान होता है दोस्तों वो 10 जनवरी को एग्ज़ाम देने वालों अभ्यर्थियों को होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि परीक्षा 3 दिन में होनी चाहिए ताकि किसी अभ्यर्थियों को एक्स्ट्रा एडवांटेज ना मिले।
उल्लेखनीय कि मुख्यमंत्री ने पिछली बार आरपीएससी राजस्थान कर्मचारी पूर्ण जयपुर उसके अलावा जयपुर के चेयरमैन व अधिकारियों से कार्मिक विभाग के साथ मीटिंग ली थी। इसमें स्पष्ट दिशा निर्देश दिया था किसी भी भर्ती में ऐसी खामियां नहीं छोड़े जिससे बाद में एग्जाम होता है आपका कोर्ट में अटक जाए। दोस्तों ये 100% क्योंकि पिछली बार एलडीसी में ही हुआ था कि स्टूडेंट और नॉर्मलाइजेशन की मांग कर ली थी। उसके अलावा जो उनको टाइम कम मिला था, जो पहले चरण वालों को लास्ट चरण वालों को 1 से 1.5 महीना ज़्यादा मिला था, तो इसको लेकर के कोर्ट में भर्ती अटक जाती है। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने बात भी कही थी। उसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक बात और कही थी कि एग्जाम हमेशा उसी तारीख को रखे जिसके बीच में दूसरे एग्जाम ना फंस जाए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रेलवे के भी एग्जाम रखे जा रहे हैं, उसके अलावा रीट की भी बात करी कि फरवरी में इसका एग्जाम होगा। तो लगभग यहाँ पर अगर उसी ड्यूरेशन में एग्जाम करवाया जाता है तो यहाँ पर यह भी खामी होगी क्योंकि स्टूडेंट एक निश्चित तैयारी नहीं कर पाता। स्टूडेंट सोचेगा मैं पुलिस की भी तैयारी कर लूँ, वो सोचेगा मैं हाईकोर्ट की भी तैयारी कर लूँ, उसके अलावा स्टूडेंट सोचता है मैं पटवारी की भी तैयारी कर लूँ। ऐसे करते करते पता चलता है उसका किसी में भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों आपको लिए तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप पटवारी की तैयारी करें तो आपका एक ही टारगेट फिक्स रहना चाहिए कि पटवार पटवार पटवार, आप एग्जाम तीनों दो। लेकिन दोस्तों जो आपका टारगेट होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, एलडीसी सीधी भर्ती 2018 में होता है, अभ्यर्थियों को नुकसान यहाँ पर आया। कनिष्ठ सहायक एलडीसी भर्ती संयुक्त सीधी भर्ती 2018 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 4 चरणों में 12 अगस्त से लेकर के यहाँ पर 16 सितंबर तक एग्जाम करवाया था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक, तो लगभग 1 से 1.5 माह का टाइम यहाँ पर लास्ट चरण वालों को मिल गया था। पहले 2 चरणों के पेपर हार्ड आए थे और बाद के 2 चरणों के पेपर आसान आए थे। अब ये भी एग्जाम में जो एग्जाम में इतना गैप रखा जाता है वो भी इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है कि कौन से पेपर होता है, कौन से चरण में पेपर सिंपल आ जाता है, किस में टप आ जाता है। पहले चरण वालों को एग्जाम का पता नहीं चल जाता है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जबकि जो लास्ट चरण रहता है उनको पता चल जाता है कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो उनकी तैयारी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। उसके अलावा चरणों में सेलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों को प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लास्ट चरण में अंतिम चरण में जो सिलेक्शन हुआ था लगभग 30 से 40% वो स्टूडेंट थे जिनका लास्ट चरण वाले स्टूडेंटों का यहाँ पर एग्जाम में सिलेक्शन हुआ था। जयपुर में पटवार भर्ती के लिए अभी तक नॉर्मलाइजेशन के निम्नलिखित में तो कोई आदेश नहीं दिया गया। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है दोस्तों, अगर पहली शिफ्ट वालों का पेपर अगर टफ आता है और लास्ट शिफ्ट वालों का पेपर अगर आसान आता है तो आसान आता है इसका नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है। इसमें जो लास्ट शिफ्ट वाला रहता है उसके तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो फर्स्ट शिफ्ट वाला रहता है अगर उसका पेपर टफ आया जाता है उसको कुछ और बोनस अंक वहाँ पर मिल जाते हैं, मतलब उसके नंबर घटते नहीं है और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें नंबर किसी के नहीं घटते, अब बाकी इसमें बढ़ते ही है, लेकिन जिनका पेपर टफ आता है उनके नंबर बढ़ने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, जिनका सिंपल आता है उनके यहाँ पर कोई नफा नुकसान यहाँ पर नहीं होता है इसका है। उसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेलवे एसएससी बैंकिंग सहित अन्य परीक्षाएं समान पद के लिए अलग अलग चरणों में करवाई जाती है। उसके अलावा इनमें नॉर्मलाइजेशन के द्वारा चरणों का लेवल समान कर दिया जाता है। चरणों के विद्यार्थियों का मूल्यांकन एक ही स्तर पर किया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि नियमों के अनुसार यदि कोई संस्थान कई चरणों में एग्जाम करवाए तो एग्जाम में पहले नॉर्मलाइजेशन करवाना और पेपर के चरणों के बारे में घोषणा करनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन के पैटर्न का फॉर्मूला भी तय करना चाहिए। वही केंद्र सरकार सभी भर्तियों में ऐसा कोई नियम नहीं है, मतलब केंद्र में भी सभी भर्तियों में ऐसा नियम नहीं है, लेकिन यहाँ पर रेलवे एसएससी उसके अलावा जो बैंकिंग की एग्जाम होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसके अलावा चरणों में विभाजित किया जाए, केंद्रीय भर्तियों में रेंडमली किए जाते हैं, मतलब केंद्रीय भर्तियों में क्या यहाँ पर रेंडमली एग्जाम करवाया जाता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि अल्फाबेट के हिसाब से किसी का आकाश है किसी का युवराज है, तो यूँ फिक्स नहीं है कि भाई आकाश वाले का पहले एग्जाम करवाया जाएगा युवराज वाले का बाद में करवाया जाएगा, वहाँ पर रेंडमली एग्जाम करवाए जाते हैं। उसके अलावा जयपुर में पटवार भर्ती के ऑनलाइन आपने देखा होगा रेलवे में होता है, आज पेपर है कल भी पेपर होगा परसों भी पेपर है, उसके लिए रेंडम नहीं करवाए जाते हैं, यूनिक 1 से 3 महीने के बीच अंतर यहाँ पर करवाए जाते हैं। अभ्यर्थी चाह रहे नॉर्मलाइजेशन रेंडमली नाम तय हो, यहाँ पर आया कि अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के स्थान पर रेंडमली होना चाहिए एग्जाम। पटवार भर्ती 2019 में अभ्यर्थियों के भी शंका कि अल्फाबेट के हिसाब से रोल नंबर आने पर एग्जाम के शुरू चरणों में उनका एग्जाम में उनका नुकसान होगा। अभ्यर्थियों की मांग है उसके स्थान पर अगर अल्फाबेट न करवा कर अगर रेंडमली एग्जाम करवाया जाए तो ये होगा। उसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बीएल जाटावत जी ने एग्जाम को लेकर के क्या कहा है, बीएल जाटावत जी ने एग्जाम लेकर कहा ये दोस्तों यहीं पर इसी चीज़ में यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन ये स्पष्ट पढ़ाई में नहीं आ रहा, इस वजह से मैंने अलग से यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बीएल जाटावत जी ने एग्जाम को लेकर के कहा है, उन्होंने ये कहा है कि अभी हमने पटवार भर्ती की टेनेटिव एग्जाम डेट जारी की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेनेटिव एग्जाम डेट, अब टेनेटिव का मतलब होता है संभावित, हो सकता है या नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा ये एग्जाम से पहले नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाता है, अभी फाइनल डेट जारी नहीं की है, अभी तो ये डेट आगे भी खिसक सकती है। हाँ ये तय कि हम अभ्यर्थियों के साथ गलत नहीं होने देंगे, सभी के हितों का ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बीएल जाटावत जी जो कि अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उनके द्वारा ऐसा कहा गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेनेटिव एग्जाम डेट है, लेकिन दोस्तों
दोस्तों आपको ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पहले भी जो राजस्थान सेवा अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया था उसमें 28 फरवरी टेनेटिव रखी गई थी, लेकिन हुआ क्या, एक महीने यहाँ पर पहले किस होकर के यहाँ पर 10 तारीख से लेकर के आपने देखा होगा 24 तारीख तक यहाँ पर एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधे सीधे टेनेटिव यहाँ पर बाद में जो सोच रहे थे वो और एग्ज़ाम बढ़ सकता है कोरोना की वजह से, लेकिन बढ़ा तो नहीं, इसका पहले कर दिया गया है। तो दोस्तों आप बिल्कुल इस भरोसे नहीं दीजिए, आप तो अपनी तैयारी 100% अपनी तैयारी रखिए, चाहे एग्ज़ाम डेट बढ़ती है, अगर आप अपनी 100% यहाँ पर तैयारी रखेंगे तो अगर एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी तो भी दोस्तों आपको 100% फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी तैयारी तो पहले हो चुकी हुई, अगर फिर भी एग्जाम डेट बढ़ती है तो आपको और ज़्यादा तैयारी करने का यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे कि एग्ज़ाम डेट बढ़ जाएगी टेनेटिव है, तो दोस्तों ये सब दिमाग से निकाल दीजिए, आप अपने 100% दीजिए, 100% तैयारी करते रहिए। उसके अलावा जो नॉर्मलाइज होगा या नहीं होगा ये सब कुछ बात की बातें, और अल्फाबेट के हिसाब से होगा या फिर रेंडम जो होगा ये भी मतलब राजस्थान सेवा अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया जाएगा, और कुछ भी अपडेट यहां पर मिलती है दोस्तों पटवार भर्ती के तो हम आपको सबसे पहले आपको अवगत कराएंगे। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए, साथ में दोस्तों जुड़िए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों। धन्यवाद।